सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों को आज M29 के जो क्लोन तैयार हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जो वो छोटे थे, लेकिन अब वो एक अच्छे बुल के रूप में तैयार हो चुके हैं और ये यहाँ पर आप मदर फार्म की भैंसें देख सकते हैं। तो जो M29 के क्लोन बुल हैं, आज मैं जो है उनमें से आपको 6 बुल दिखाऊंगा। तो M29 भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, पहले यंग टाइम में कैसा था और अब जो है बुढ़ापे में M29 कैसा हो चुका है वो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है। तो M29 फिलहाल हिसार बोवाइन के अंदर और बड़े शानदार रिजल्ट रहे हैं। M29 के झोटिया ने पहले ब्यात में 16 किलो दूध निकाला है और आज तक का सबसे ज़्यादा डिमांड वाला बुल रहा है M29। फिलहाल भी लोग इसका सीमन यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं चैनल स्क्रीन पर, E263 नंबर का ये एक जो है बुल यंग जो है हो चुका है। ये M29 का क्लोन तैयार किया गया है। क्लोन कैसे तैयार किए जाते हैं वो मैंने पहले ही आपके साथ फिर एक प्रॉपर वीडियो शेयर जो है मैं कर चुका हूं और वो चैनल पर पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं कि भाई क्लोन प्रक्रिया कैसे होती है। बाकी फिर कभी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और M29 के जो कटड़ों की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई सारे भाइयों की डिमांड आई थी सीमन को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी तक इनका सीमन फार्मर के लिए अवेलेबल नहीं है। संस्थान से कास्ट्रो मिल जाता है और अभी वेटरनरी हॉस्पिटलों में सीमन आ नहीं रहा है। तो ये तो था E263। अब इसके बाद हम देख लेते हैं E264 नंबर का बुल। ये भी आप देख सकते हैं जितने भी M29 के क्लोन तैयार हुए हैं सारे डिटो कॉपी हैं, क्योंकि क्लोन हूबहू वैसे ही होते हैं। मदर साइड गाइन में कोई रोल नहीं होता है क्लोन तैयार करने में कि भाई जो मदर का दूध कितना, लेकिन फिर भी डॉक्टर बता देते हैं कि जो है भाई इसका इतना दूध इसके जो है पहले वाले जो M29 की माँ थी वही दूध हम मान के इसका चलते हैं। लेकिन आगे जो इससे जो है क्लोनिंग प्रक्रिया से जो बच्चे तैयार होते फिर उनके रिजल्ट भी और भी कई सारे बुल तैयार हुए हैं संस्थानों के अंदर, जिनके आगे रिजल्ट वैसे भी तैयार हुए क्लोन के, जिन्होंने अच्छा प्रोडक्शन दिया मिल्किंग में। इसके बाद ये E265 नंबर का बुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी बड़ा ही एक M29 का नायाब जो है क्लोन जो है बुल तैयार हुआ है। तो ये भी बुल बड़ा ही अच्छा है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि संस्थान के अंदर और भी अच्छे अच्छे बुल आ चुके हैं, तो पशुपालक भाई डुप्लीकेट सीमन का शिकार हो जाते हैं M29 के चक्कर में। और भी अच्छे अच्छे बुल आए हुए हैं तो उनका सीमन आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई आपका ट्रस्टेबल बंदा है उससे आप सीमन लेकर यूज़ करें। तो ये देखा आपने। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ E266 नंबर। ये भी बड़ा ही अच्छा बुल है क्योंकि तकरीबन इनकी एक साल के अंदर अंदर की सभी की एज है और सीमन प्रोडक्शन पर सभी आ चुके हैं, लेकिन सीमन लोगों के लिए फार्मर्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये थे 4 बुल। 5वें नंबर पर मैं आपको एक और बुल जो है इसका दिखा रहा हूँ, E268 नंबर का। ये भी बड़ा ही शानदार बुल है, देखने में आपको सभी हे हुए एक जैसे लगेंगे, अगर आपको देखने में थोड़ा बहुत ही इनमें फ़र्क नजर आएगा, नहीं तो बिल्कुल एक दूसरे इसके जो है सिमिलर आपको दिखाई देंगे। इसके बाद ये एक और नेक्स्ट बुल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ E269 नंबर का। तो ये 6 बुल मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाए हैं क्योंकि पशुपालक भाइयों के काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे कि जी M29 के क्लोन बच्चे दिखाए जाएँ, M29 के क्लोन बच्चे दिखाई। तो ये थे M29 के क्लोन वाले बुल, क्लोन वाले कट्टे संस्थान के अंदर हैं, संस्थान ने ही इन्हें तैयार किया है। इक्कद भाई वहाँ से पहले सीमन लेकर भी आया था, फार्म अप्लाई करके मिल भी गया था। इक्कद भाई की भैंस कंज्यूम है और आगे अभी सीमन अवेलेबल फार्मर के लिए नहीं है। संस्थान में अगर आप जाएँ तो कास्ट्रो आपको रिक्वेस्ट से मिल सकता है और जब सीमन इनका अवेलेबल हो जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि भाई M29 के क्लोन बुलों का सीमन अवेलेबल है। तो जिन भाइयों की इच्छा थी M29 के बुल क्लोन बुलों को देखने की, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर लगे होंगे, पसंद आए होंगे। संस्थान के जितने भी बुल हैं सभी के टॉप रिजल्ट रहते हैं और बड़े ही जो है शानदार आगे जो है फील्ड में भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो M29 के क्लोन बुलों की वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताएँ, जानकारी थी आपके साथ शेयर कर दी ताकि आप अपने डेयरी फार्मिंग में एक और जो है नया नॉलेज
प्राप्त कर सकें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे। और चैनल स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, जिन भाइयों को नंबर चाहिए था यहाँ से आप व्हाट्सएप या डाक कॉल कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।